नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। आइए हम ले चलते हैं आपको राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और महावीर अस्पताल, जहां पर जैन संघ के बामासाओं ने दो ऑक्सीजन मशीन भेंट की है और एक ऑक्सीजन मशीन महावीर अस्पताल मंडार को भेंट की है। आपको बता दें कि अभी COVID-19 का बड़ा प्रकोप चल रहा है और इस महामारी के तहत ऑक्सीजन की चारों तरफ कमी है, चाहे वो शहर हो, गाँव हो या बड़ा महानगर हो, हर जगह पर इसी तरह से हाहाकार मची हुई है। इसी के तहत इन बामासाओं ने बहुत बड़ा काम किया है और हमारे मंडार राजकीय स्वास्थ्य केंद्र को दो मशीनें और महावीर अस्पताल को एक मशीन भेंट की है, जिसमें जैन संघ मंडार के बामासा बसीबेन उत्तम चंद जी चौवटिया परिवार की तरफ से दो मशीनें हैं और एक मशीन बागुबेन रंजन कुमार दोषी की तरफ से दी गई है। मंडार स्वास्थ्य केंद्र पर जो मशीन दी गई है वह CMHO डॉक्टर राजेश कुमार व मंडार सरपंच पर्वत सिंह के हाथों भेंट की गई। ऑक्सीजन मशीन अधिग्रहण कार्यक्रम के साथ साथ CMHO ने कोविड की जो चेकपोस्ट बनी हुई है मंडार सीमा पर, वहां पर लगे कर्मचारियों की हौसला अफजाई के लिए भी दौरा किया और उनके हालचाल जाने कि किसी तरह की कोई व्यवस्था में कमी हो, किसी तरह से कोई परेशानी आ रही हो तो उसका भी जायजा लिया। चेकपोस्ट पर उपस्थित सभी कर्मचारियों ने उनका अभिवादन किया और सभी संतुष्ट नजर आए। हमने इस दौरे को लेकर डॉक्टर राजेश कुमार से बात की, क्या कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं उनकी जुबानी। दौरे को लेकर जरा बताइए। देखिए, आज मंडार जैन संघ द्वारा दो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंडार PSC को डोनेट किए गए, इसके अलावा PSC भी चेक की है। ये जो मंडार का जो बॉर्डर है, ये लोग देखते हैं। जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है, ये मंडार जनसंघ की बहुत बड़ी बहुत अच्छी पहल है। तो वर्तमान परिस्थितियों में सिरोही जिला ही नहीं, वरन पूरा राजस्थान जो जूझ रहा है ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, ये वातावरण से सीधा ऑक्सीजन लेके और मरीज तक देता है। ऑक्सीजन सिलेंडर जो बार बार बढ़ाना, इसी से इसे निजात मिलेगी। और तो स्टार्टिंग हुई है, तो मैं समझता हूँ कि इसे और भी भमासा प्रेरणा लेके बाकी लोग भी आगे आएंगे और निश्चित रूप से यहाँ की आमदन को इसका लाभ मिलेगा। लोगों को प्रिकॉशन के लिए कुछ ऐसा संदेश जिससे प्रिकॉशन का, देखिए जैसा कि स्टेट से लगातार गाइडलाइन जारी हो रही है और कुछ सख्ती भी राज्य को करनी पड़ रही है, वो भी आमजन के हित में है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये सेल्फ जो डिसिप्लिन है, खुद का अनुशासन में रहेगा, खुद अपना ध्यान रखेगा, तभी ये जो दूसरी वेव है जो खतरनाक है, इसमें ब्रेकअप हो पाएगा। और मैं जिसमें मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोना, वो की वो चीज़ है। लेकिन फिर भी अभी भी लगातार ये फैलाव बढ़ा है, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं सभी। तो सोशल डिस्टेंसिंग और मैन जो मास्क का रोल है, लोग मास्क लगाएंगे और सेल्फ डिसिप्लिन में रहेंगे, मैं समझता हूँ कि जल्दी चैन है, ब्रेक होगी। ठीक, धन्यवाद। बसीबेन उत्तम चंद जी चौटिया परिवार, उत्तम चंद जी चौटिया परिवार।